एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आज आपसे बात करने वाली हूँ एक और न्यू टॉपिक के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो शेयर करी हैं उस वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस कैसे ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है और किस तरीके से हम इसका बचाव करें। आज की वीडियो में हम इसके प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि किस तरीके से कोरोना वायरस को हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट। कोरोना वायरस से हम अपना बचाव कैसे करें? कोरोना वायरस से हम अपना बचाव सिर्फ सिंपल से 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो इस वायरस से हम बच सकते हैं। कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं और दूसरों तक इस वायरस को ना पहुंचाने दें इससे भी हम बच सकते हैं। इसके लिए बस हमें कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में करते आ रहे हैं, शुरू से हम करते आ रहे हैं, सिर्फ उनको हम एक्स्ट्रा ऐड करके उस पर स्पेशली ध्यान देकर अपने डेली रूटीन में उसको अच्छे से फॉलो करें। अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप बिलीव मानिए कि हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरों तक इस वायरस को नहीं भेज सकते। बस इस 5 स्टेप्स को हमें फॉलो कर सोप अप टू हेयर, हमें अपने हैंड्स को वॉश करना है, बहुत अच्छे से हमें अपने हाथ को धोना है और एक सोप यानी कि हैंड वॉश से ही हमें अपने हाथों को धोना है। अच्छे से हम अपने हाथों को धोएंगे और हमें कहीं पे भी कोई भी हम जो मास्क यूज़ करते हैं, जब मैं लास्ट वीडियो में बताई कि हमें मास्क का प्रिकॉशन करना है, जो भी हम मास्क यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे ही खुले ही किसी भी जगह पे डंप ना करें, खुली जगह पे उसे ना फेंकें, हम उस मास्क को डस्टबिन में ही फेंकें बिकॉज वो मास्क में भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हम एनवायरमेंट में आके उनके टच में आते हैं और लोगों तक फैलते हैं। नेक्स्ट, हम अपने जो हैंड वॉश है 20 सेकेंड्स तक हमें अपना हैंड वॉश करना है। हमें अपने जो इसमें स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बताया कि हमें नेल्स के बीच में हैंड्स के पाम पे भी हमें रखना है, रब करना है और 20 सेकेंड्स तक हमें इन तीनों एरियाज पर, इन चारों एरियाज पर ढंग से हैंड वॉश का यूज़ कर अपने हाथ को वॉश करना है। इसके अलावा हम घर में जितने भी हम लोग हैं हर किसी के अपने अलग अलग टॉवल्स होने चाहिए, मम्मी के अलग होने चाहिए, पापा के अलग होने चाहिए, अगर बच्चा है तो उसके अलग, ताकि जो भी है वो अपने अलग अलग टॉवल्स का यूज़ कर सके और ईजिली इन्फेक्शन फैलने से बच सकता है। बार बार हम अपने अपने हाथों को अपने आँखों पर, नाक पर, नोज पर टच ना करें बिकॉज मैं इससे पहले के वीडियोस में यही बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस फैल रहा है। तो हम अपने आँखों और कानों और नोज तक हम अपने हाथों स्किन को हाथों से स्किन को टच ना करें, उन पर ना रब लेकर जाएं, ना रब करें। स्पेशली यदि कोई सिक मेडिकल कोई बीमार व्यक्ति है, कोई सिक व्यक्ति है और उसे लग रहा है वो बीमार है तो वो एडवाइस ले मेडिकल की, अगर वो बीमार है तो ही ले। और सही बहुत है ये स्टेप्स, अगर हम 5 स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो बिलीव मानिए हम इस कोरोना वायरस की जंग से भी जीत जाएंगे और बहुत अच्छे से हम अपनी लाइफ हेल्दी और सेफ निकालेंगे। और इन सब के लिए एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है मेरे लिए आप सभी को कि आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए। अपने घर में रहेंगे तो हमारी लाइफ बहुत सेफ होगी, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। इन्हीं स्टेप्स को हमें डेली रूटीन में फॉलो करना है, ईजिली हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे, उससे सामना करेंगे। तो लेट्स स्टे एट होम।